नमस्कार, मेरा नाम पंकी सूद है। मैं 2007 13 फरवरी को जब अरविंद जी से मिला था तो उन्होंने मेरी मदद की थी इस नया सवेरा इंस्टीट्यूट में जो एक नशा मुक्ति केंद्र है, मेरे को ड्रग्स से बहुत बाहर निकलने में। क्योंकि वो टाइम ऐसा था कि मैं ड्रग्स में इतना ज़्यादा फंस चुका था कि लाइफ में कुछ समझ नहीं आ रहा था कि छोड़ना है पीना है। मैं अपनी तरफ से तमाम कोशिशें कर रहा था हर तरीके से इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए, लेकिन कोई रास्ता दिख नहीं रहा था। अपनी तरफ से जितनी कोशिशें की वो सब नाकाम रह चुकी थी। बात वही है कि जब मैं आपको अपने बचपन की ओर लेकर के जाऊँ तो वही क्लास में बड़ा लो कॉन्फिडेंस और हर चीज़ वाला बच्चा, बैक बेंचर, तो क्लास में हमेशा पनिशमेंट मिली है, खड़े हुए हैं, वो लो कॉन्फिडेंस और यू नो अच्छे बच्चों में गिनती ना होना, तो वो कंपैरेटिव एनालिसिस हमेशा साथ वाले बच्चों के साथ। तो यार हर बार लगता था कि ज़िंदगी तो अपनी तो बेकार ही है भाई, ना तो घर में टीवी देखने को मिलता था क्योंकि होमवर्क नहीं पूरा कर पाते थे, पढ़ाई नहीं पूरी कर पाते थे, तो इस करके जो है बड़ी ज़िंदगी दुखी सी थी, यानी कि हैप्पी चाइल्डहुड नहीं था वो। और फिर क्या किया, कोशिश अपने आप को थोड़ा डिफरेंट दिखने के लिए, अलग दिखने के लिए, यू नो आई स्टार्टेड स्मोकिंग कि शायद यू नो इट वुड बी अटेंशन सीकर फॉर अदर्स कि यार ये बंदा तो सिगरेट पीता ही है तो हीरो टाइप है। और बस उसी चक्कर में वो जो पहला कदम अपनी लाइफ में उठाया सिगरेट पीने का, उसी के बाद जो है लाइफ की स्टोरी चेंज होती चले गई। मेरा जो फोकस था, गोल था पढ़ाई का, वो सारा डिफीट होता चला गया और मैं ड्रग्स की दुनिया में, सिगरेट से शुरुआत हुई थी जिसने पूरा गेट खोल दिया था मेरे लिए एंट्री करने का ड्रग्स की दुनिया में। और बस वहाँ से उसके बाद तो एक के बाद दूसरा नशा, दूसरे के बाद तीसरा नशा, एक छोड़ने के चक्कर में दूसरा पकड़ते थे, दूसरा छोड़ने के चक्कर में तीसरा पकड़ते थे। एक प्रॉब्लम ये थी कि कहीं पर एक्सेप्टेंस नहीं थी अपने साथ, मेरे को हमेशा लगता था कि मैं कंट्रोल में यार पी लूँगा कर लूँगा, ये बाकी लोग जो पी रहे हैं ये तो सारे एडिक्ट्स हैं, दे आर यू नो इनके कंट्रोल में नहीं है। मेरे को हमेशा लगता था कि मैं तो सिर्फ सैटरडे नाइट को पीने वाला बंदा हूँ यार, अपना क्या सैटरडे नाइट को पिया, बाकी सारा हफ्ते काम किया। लेकिन यार ऐसा ऐसा कब वो सैटरडे नाइट, फ्राइडे, थर्सडे, वेनसडे, ट्यूसडे, मंडे, संडे में बदल गई, पूरा महीने का वो एक रूटीन बन गया। और फिर पता चला ये तो 365 दिन लाइफ के मेरे इसी के चक्रव्यूह के आसपास घूमने लग पड़े। जब को ये रियलाइज किया तब को तो बहुत देर हो चुकी थी। फिर अपनी तरफ से कोशिश करने लगे कि एक छोड़ते हैं, दूसरा पकड़ते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, गुरुद्वारों के चक्कर लगाए, मंदिरों के चक्कर लगाए, देवी देवताओं के पास गए, लेकिन कोई चीज़ लाइफ में काम नहीं कर पा रही थी। वही होता था, एक दिन छोड़ते थे, दो दिन छोड़ते थे, छोड़ देते थे, लेकिन छोड़े कैसे रखना है इस चीज़ का कोई आइडिया ही नहीं था। फिर दिमाग बोलता था यार अब तो तेरे को 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, आज एक लगा लेते। वो जैसे ही एक के चक्कर में फिर पड़ता था और फिर वो रूटीन शुरू हो जाती थी और वो पिछली बार की रूटीन से और ज़्यादा खतरनाक रूटीन होती थी। तो यार लाइफ बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो चुकी थी नशे के आसपास ही। इतना फिजिकली मेरा पूरा वेट लॉस हो चुका था, मैं बहुत कमज़ोर हो गया था, फाइनेंशली मैं डूब चुका था क्योंकि इस नशे के लिए पैसा लगता है, इमोशनली और स्पिरिचुअली मैं बिल्कुल ख़त्म हो चुका था क्योंकि मेरे रिश्ते ख़त्म हो गए थे, फैमिली से बातचीत नहीं थी, अच्छे दोस्त पीछे छूट चुके थे और लाइफ बड़ी अनमैनेजेबल सी हो गई थी। तो जब भी कोशिश करता मैं एक एडवेंचर, एक माउंटेनियर रहूँ हमेशा ही, तो कभी एक पहाड़ पे भागता, कभी दूसरे पे भागता, कभी तीसरे पे भागता, कभी स्कीइंग कोर्स के लिए जाता, कभी माउंटेनियरिंग ट्रिप्स के लिए जाता कि कहीं तो इस चीज़ से मेरे को छुटकारा मिलेगा। लेकिन बात वही होती थी कि ये बीमारी हमेशा मेरे साथ साथ चली, जहाँ मैं जाता था ये बीमारी मेरे को पकड़ लेती थी एक या दूसरे रूप में। अगर मैं अपना चॉइस ऑफ ड्रग नहीं कर रहा हूँ तो मैं शराब पी रहा हूँ, शराब नहीं पी रहा हूँ तो फीम कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं इन नशों के साथ खेलने की कोशिश कर रहा था और अपने आप को मैं ये बोल रहा था कि यार ये ज़्यादा बेटर है, ये तो हर्बल है और ये तो सोशली एक्सेप्टेड है। हाँ, हेरोइन और स्मैक ये सोशली एक्सेप्टेड नहीं है, इसको नहीं मैं कर रहा हूँ, अब तो मैं शराब और
अफीम पे हूँ, अफीम हर्बल है, जॉइंट हर्बल है और शराब तो वैसे ही सारे पीते हैं, तो मैं अपने आप को उस तरीके से जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब भी मैं शराब पीता था या कुछ और नशा करता था, वो मेरे को वापस अपने चॉइस ऑफ ड्रग के ऊपर ले जाता था। फिर लाइफ बड़ी अस्त व्यस्त हो रखी थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ। हर तरीके से चोरी शुरू कर दी थी, घर से भागना शुरू कर दिया था, गले से पैसे चुराता था। टाइम बीच में ऐसा आ गया, फेस छोटा था लेकिन दिल्ली की सड़कों पे पहुंच गया, रैक पिकिंग की, गटर के ढक्कन चुराए, स्कूटरों के टायर चुराए, तो सब कुछ किया। लेकिन मैं ऐसा था नहीं, लेकिन इस ड्रग्स के कारण, इस नशे के कारण मेरे को इस स्थिति में पहुंचना पड़ा। तो जब को समझ आया कि भैया अब तो इस चक्कर में फंस चुका है, तब तक तो लेट हो चुका था बहुत। और फिर वही इस चीज़ से बाहर कैसे निकलना, इसी उधेड़बुन में अपनी दिमाग के साथ खेलता रहता था, लेकिन कोई ऐसा रास्ता कहीं से भी नहीं मिल रहा था इस चीज़ से बाहर निकलने का। फिर उस टाइम ऐसा आया बीच में कि थोड़ा मैं क्लीन हुआ अपने आप से कुछ टाइम के लिए, तो घर वालों को लगा कि इसकी शादी कर देते हैं, शादी करने से रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी तो ही विल बी अ बेटर पर्सन। लेकिन बात वही हुई कि शादी हो गई बीच में और फिर नशा तो छूटा नहीं, लेकिन साथ में एक और ज़िंदगी मेरे साथ बर्बाद हो गई। तो मेरी वाइफ 8 months प्रेग्नेंट थी जब उसको पता लगा कि आई एम इनटू यूजिंग एंड आई एम इनटू ड्रग्स, तो एकदम से शॉक हो गई थी वो, और वो है ना उस ट्रॉमा में चली गई थी वो उस टाइम। प्रेग्नेंट थी वो 8 महीने के लिए, तो बीइंग एन एडिक्ट आई वाज अ वेरी गुड मैन्युपुलेटर। तो जाकर के उसको मैन्युपुलेट किया यार कि दुनिया तो बेवकूफ़ है, ऐसी बकवास करते हैं सारे, तेरे को मेरे ऊपर विश्वास है ना, तुझे तेरे ऊपर विश्वास है, तो मेरा बस ठीक है फिर सब लाइफ हमारी बढ़िया सेट है, तो वो क्या दिक्कत है। लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं तो मैं रोता था यार हर बार कि इस चीज़ से बाहर कैसे निकलूं, क्योंकि रूटीन वही बन गई थी। सुबह उठते ही जैसे लोग ब्रश करते, तो सुबह उठते ही मेरे को अपना नशा सबसे पहले चाहिए होता था, चाहे वो नशा कोई भी था, हीरोइन का था या जॉइंट का था या जो भी था, सबसे पहले मेरे को अपना ड्रग चाहिए होता था। और फिर बाथरूम मेरी लाइफ का एक ऐसा हिस्सा बन गया, क्योंकि वाइफ आने से जो मेन रूम था मेरा वो तो शेयर होने लग पड़ा था, तो वो बाथरूम मेरी लाइफ का एक मेन हिस्सा बन गया, जो एक किसी भी ड्रग एडिक्ट का एक मेन हिस्सा लाइफ का जो है वो बाथरूम होता है। क्योंकि मैक्सिमम टाइम जो सबसे ज़्यादा सेफ्टी, सिक्योरिटी और जो प्राइवेसी मिलती है एक एडिक्ट को, वो बाथरूम के अंदर ही मिलती है। तो मैक्सिमम टाइम तो मेरी वाइफ एक ऐसे घर से थी यार जहाँ पे कभी हुआ ही नहीं ये चीज़, हमारी फैमिली में भी नहीं था, उसकी फैमिली में भी। तो यार ये सारे परेशान थे कि बंदा करता क्या है, कहाँ पे ड्राइव रहता और कहाँ पे ये क्या करता। अवेयरनेस उनको भी नहीं थी, उनको सिर्फ ये पता था कि भाई चीज़ अच्छी नहीं है, और फैमिली डिनाइल्स इतने स्ट्रॉन्ग थे कि वो दूसरे के ऊपर ब्लेम करते थे हमेशा कि मेरा बेटा तो ठीक है यार, इसको तो इसके दोस्तों ने जो है ख़राब कर दिया। वो ब्लेम गेम चलती रहती थी, और क्योंकि सोसाइटी में ये सब एक तरह से यू नो टैबू था, ये अगर आपके घर में कोई ड्रग एडिक्ट हो गया तो उसको तो बोलते थे कि ये तो बंदा ही खत्म है, उसके लिए कोई रास्ता कभी किसी ने सुझाया नहीं। ये बोलते थे विल पावर नहीं है, इसकी विल पावर खत्म है, हम तो सारे दो शराब के पैक पीते ही या एक जॉइंट लगाते, ये क्यों नहीं ऐसा कर पाते। लेकिन यार एडिक्शन तो कम्प्लीटली एक डिफरेंट सिनेरियो है, जो एक बार एडिक्ट बन गया उसके लिए फिजिकल क्रेविंग इतनी ज़्यादा होती थी, इतना ज़्यादा पेन होता था टांगों में, पेट में, आंखों से पानी निकलता था, नाक से पानी चूरता था, और पेड़ पे मरोड़ पड़ते थे, टांगे ऐसे लगता था कोई खींच रहा है, भरी गर्मियों में ठंड लगती थी, और ठंड में अगर अपना नशा कर लिया तो टी शर्ट में भी घूमते थे, बॉडी का पूरा थर्मोस्टेट ही खराब हो चुका था, क्योंकि बॉडी को इतना ज़्यादा केमिकल्स की आदत पड़ चुकी थी। तो ना तो लाइफ में कुछ समझ आ रहा था, ना मेरे को अपनी बॉडी को कुछ समझ आ रहा था कि क्या प्रॉब्लम से तू गुजर रहा। तो ऐसा ऐसा फिर वही हुआ कि मेरे साथ एक और मेरा दोस्त था बचपन का ही राहुल, जो जिसके फादर बहुत बड़े डॉक्टर थे, वो भी ड्रग्स के चक्कर में फंस गया था। लेकिन राहुल मेरी लाइफ से 3-4 साल के लिए गायब हो गया, तो मैंने यार पता नहीं कहाँ चले गया। तो जब एक दिन मुझे मिला तो वो एकदम सही हालत में था, अच्छी कंडीशन में, तो मैं सोच रहा था कि यार ये छोड़ने वाला तो नहीं है नशा, क्योंकि मैं उसको इनसाइड आउट जानता था। पहले कुछ तो कर रहा होगा इसको, या तो कोई ऐसा चमत्कारी ड्रग मिल गया कि ये अपने आप को इतना फ्रेश और इतना बढ़िया लग रहा है देखने में।
तो राहुल ने मेरे को सही मैसेज दिया कि यार मैं तो छोड़ दिया, तू भी छोड़ दे। इन एनी केस वो कभी हुआ नहीं, क्योंकि ऐसे मैसेजेस बहुत मिलते रहे और अपनी तरफ से कोशिश करता रहा करता रहा। फिर बेटा पैदा हो गया, तो फिर अब मेरे घर में मेरे ऊपर पूरा एक वॉच टावर शुरू हो गया। उस टाइम सीसीटीवी कैमरास तो होते नहीं थे जब हम यूजिंग में थे, तो घर में फैमिली, मेरी वाइफ, मेरा भाई, मेरी मम्मी पापा, मेरे जो अच्छे दोस्त थे, उन सब का एक नेटवर्क बन गया जो मेरी हर मूवमेंट को क्लोजली मॉनिटर कर रहे थे, कब कहाँ पे किस लिए जा रहा हूँ। तो यार लाइफ ऐसे लग रहा था कहीं ना कहीं ट्रैप होकर के रह गई है। मेरे को हालत ये हो गई थी कि वॉशरूम का दरवाज़ा भी खुला रखना पड़ता था जब मैं जाता था। तो यार फिर आध्यात्मिक शून्यता इतनी ज़बरदस्त थी, स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी की, मैंने अपने छोटे बेटे को 2 महीने का भी नहीं था उस टाइम, वो कुछ दिनों का ही था, उसको यूज करना शुरू कर दिया कि मैं इसको बाहर घुमाने लेके जा रहा हूँ। सर्दियों के दिन थे, बारिश लगी हुई थी और मैं अपने बेटे को बाहर ले जाकर गया तो गेट के पास वहाँ पे पकड़ा देता था किसी को या भाग जाता। एक बार तो यार नशा इतना गिरा देता है आदमी को कि मेरा पैडलर जो था वो फर्स्ट फ्लोर पे खड़ा था और मैं अपने बेटे को लेकर के गया, तो मेरे को दीवार चढ़नी थी उसके रूम तक जाने के लिए। तो पहले तो उसको कैच करेगा बोलता हाँ करूँ, और मैंने अपने बेटे को हवा में उछाल दिया। वो अभी 20-22 दिन का था, 24 दिन। मैं तो थैंकफुली उस पैडलर ने जो है उसको ऊपर पकड़ लिया। उस दिन को मैं ऐसी भगवान की गॉड ग्रेस मानता हूँ कि उसने उसको पकड़ लिया और मैं भी ऊपर चढ़ गया और मेरा बेटा मेरी गोद में बैठा और मैं स्मैक पी रहा हूँ उसके ऊपर से। तो पी भी रहा था, रो भी रहा था, समझ ही नहीं आ रहा था लाइफ में करना कि यार किस चीज़ को छोड़ते गए, ऐसे यही नहीं पता था। तो तब तक मेरी फैमिली ने भी अपना एक वो नेटवर्क चला लिया था, मेरे दोस्त के फादर से बात हो गई थी, उनकी रिहैबिलिटेशन के बारे में पता चला था, अरविंद जी के बारे में पता चला था, नया सवेरा के बारे में पता चला था। तो उन्होंने आपस में फिर उस दिन भी मैं बैठा था नीचे बाथरूम में पी रहा था, अपने बेटे को बाहर ही छोड़ा था और 12 फरवरी का दिन था 2007, और मेरा भाई आया, उसने बोला कि यार ये बेटा मेरा बाहर क्या कर रहा है, क्योंकि वो उसको बहुत प्यार करते थे। तो बोलते थे वो तो रोज ही ऐसे आता है, ये साथ वाले बाथरूम में घुसा, और मेरे साथ ही एक कार्य समाज मंदिर था उसके बाथरूम में मैं जाता था पीने के लिए। तो उस दिन आए, वो घर दरवाज़ा तोड़ा बाथरूम का मेरे को बाहर लेकर के आए, घर में खूब मार कुटाई हुई, शीशे तोड़ दिए, सिर से खून निकल गया, गर्दन से खून निकल रहा था। तो माहौल पूरा घर का खराब हो चुका था और मेरे को बांध दिया उन्होंने, रस्सियों में बांध करके वहाँ पे छोड़ दिया। नीचे इनोवा गाड़ी खड़ी थी जिसमें मेरे को उन्होंने दिल्ली ले कर आना। तो इतना हंगामा हो रहा था, मैं फिर भी अपने घर वालों को बोल रहा था कि मैला आप लोग पागल हो गए हो, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ यार, मैं तो पीता ही नहीं हूँ, और अगर मैं पीता हूँ तो मैं कंट्रोल में पीता हूँ, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, प्रॉब्लम तो आप लोगों को है। तो बस फिर लाइफ के लिए यार उससे मैसेज मिल गया मेरे को अपने फ्रेंड से, और मेरे को उठा करके लेके गए रियाब, और रियाब पहुँचा तो वहाँ पे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या चीज़ है अंदर। तो अंदर जब रियाब में पहुँचा तो देखा कि उस दिन तो पी करके गया मैं अंदर अपना सारा माल जो था मेरे पास, और जब मैं अंदर रियाब पहुँचा तो मेरे को लगा कि ये तो तू गलत जगह आ गया बेटा। जब अगले दिन मैं उठ करके देखा तो वही कुछ टाइम के लिए अंदर से भागने का प्लान बनाता रहा, कैसे भागना है क्या करना है। बट थैंकफुली अरविंद जी थे, वो बहुत ही बढ़िया काउंसलर थे, और जो हमारे काउंसलर्स थे वो भी बहुत अच्छे थे, पर सबसे ज़्यादा आइडेंटिफिकेशन मेरे को अरविंद जी से मिलती थी, क्योंकि जब वो शेयर करते थे ऐसा लगता था यार कि हम भी उसी चीज़ से निकले हुए। तो ऐसे आहिस्ता आहिस्ता शेयरिंग करते उनके साथ एक अच्छी सी ट्यूनिंग बन गई और लाइफ भी अच्छी लगने लगी यार। सुबह उठ करके ब्रश करते थे, नहाते धोते थे, क्योंकि लाइफ के जब जो ड्रग एडिक्शन का टाइम था, ना तो ब्रेकफास्ट किया था, ना लंच किया था, ना डिनर किया था, क्योंकि लाइफ पूरी अनमैनेजेबल हो गई थी। तो आहिस्ता आहिस्ता रिहैब में मेरे को यही सिखाया गया, लिविंग लाइफ ऑन लाइफ टर्म्स, कैसे जिंदगी को जिंदगी की शर्तों पे जीना। और बस वो बाहर निकले रिहैब से, बाहर निकला तो दुनिया तो पूरी चेंज लग रही थी, क्योंकि मैं ही चेंज हुआ था, दुनिया तो वैसी थी बाहर की। बार मैं फिर वापस भागा रिहैब, मैला जी मेरे को नहीं रहना बाहर, मैला यहीं ठीक है अंदर, मैला बाहर तो बड़ी मुश्किल है। तो उन्होंने वही सिखाया बताया, बोलते आपको लाइफ तो फेस करनी पड़ेगी, पहले छोड़ देता था, छोड़े रखना मुश्किल होता था, अब मेरे को एक सपोर्ट सिस्टम मिल गया था छोड़े रखने का। तो मैंने वॉलंटियर किया फिर अपने रिहैब में नया सवेरा में 1 साल के लिए,
और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अपना एडवेंचर का काम पकड़ा, जो मेरा शौक का काम था जिसमें मेरे को एडर्लिन रश मिलता था, और फिर बस वही लाइफ बेटर होती गई टाइम के साथ साथ, चीज़ें अच्छी होती गई, बेटा बड़ा हो गया, उसके साथ खूब इंजॉय किया, उसको पैराग्लाइडिंग सिखाई, राफ्टिंग, उसको स्कीइंग सिखाई, उसको हाईएस्ट पीक क्लाइंब करवाई, और अब जब भी मौका मिलता है, जहाँ पे भी मौका मिलता है, वी ऑलवेज ट्राई टू गिव अ मैसेज कि इट्स बेटर टू लिसन एंड लर्न रादर देन सिटिंग हियर एंड शेयरिंग, यू नो। तो आप लोगों को अपनी ज़िंदगी आ करके ख़राब करके स्टोरी सुनाने की ज़रूरत नहीं, जस्ट बी अ लिसनर, और आप जितना इससे मैसेज ग्रैब कर सकते हो, क्योंकि हर तरीके से लॉस ही लॉस था, चाहे वो फाइनेंशियली था, फिजिकली था, स्पिरिचुअली था, इमोशनली था, हर तरीके से मेरे को नशे ने लॉस ही दिया, और मैं एक बिल्कुल यूजर्स की तरह मैंने अपनी लाइफ व्यतीत की है। बहुत शुक्रगुजार हूँ यार कि ऐसे ही संस्थाएं हैं, नया सवेरा जैसी, जो हम जैसे लोगों की मदद कर रही है और एक अच्छी ज़िंदगी, एक बेटर ज़िंदगी जीने में हमारी मदद कर रही है। और यही मैसेज है यार यंगस्टर्स को कि बी स्मार्ट, डोंट स्टार्ट, है ना, अगर स्टार्ट ही नहीं करोगे तो बहुत बढ़िया है, ये एक ऐसी चीज़ है, हाथ डालोगे आँख में तो जलोगे जलोगे, देर इज़ नो गेटिंग अवे फ्रॉम दिस। हाँ, चांसेस है कि आप बच जाओ पॉइंट्स में, कुछ ऐसा चांसेस है, लेकिन 99% ऐसा है कि आप लोग फंसोगे ही फंसोगे, तो बेटर है कि इस चीज़ को ट्राई ना करो, और बस यही मैसेज, थैंक यू।